वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज जो है, वैसे हम लोग अभी है मोहाली में। तो भाई तुमने बिल रख लिया मेरा? ठीक है भाई, भाई ने बिल रख लिया। सो आज हम लोग बैठे हुए 2020 की होंडा सिटी में, जो कि है आकृति की पेट्रोल वेरिएंट की एक गाड़ी है। और बाकी बात बाद में, प्लीज पहले एसी चला दो। एसी चला दूं? तो देयर यू गो। तो गाड़ी हो चुकी है ऑन, टायर प्रेशर लो दिखा रहा है, और टायर प्रेशर के लिए हम लोग जो है हवा डलवा लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और सबसे पहली चीज़, हम लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, एसी ऑन कर दूँ? हाँ जी। ठीक है, तो आज जो है इसका मैं आप लोगों को ड्राइविंग वाला जो प्लेजर है उसके बारे में बात करेंगे, कैसा ड्राइविंग प्लेजर है इसका, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली टू मोहाली चलाया इसको, और सबसे पहली बार हम ही इसको दिल्ली से जो है बाहर लेके आए, और हाईवे पे पहली बार ये चली है, और बहुत गजब चली। बहुत गजब। लाइटिंग का मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जबरदस्त लाइटिंग होगी, लेकिन भाई एलईडी के बावजूद विशाल जबरदस्त यार, व्यू बहुत जबरदस्त है। हम लोग सो हल्के में ले रहे थे, लेकिन गाड़ी जो है इट इज रियली नाइस। और ये आप लोगों का ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं, और सिस्टम सब कुछ ओके है। इसके अंदर एक छोटा सा फ्लॉ लगा मेरे को स्क्रीन के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ रात को जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। ऑल्दो इसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है आपके पूरी आंखों की विजन में, लेकिन जो राइट और लेफ्ट से अगर आप देखोगे, वो एलईडी डिस्प्ले वाला सीन है ना, एलसीडी वाला, सॉरी एलईडी कह रहा हूँ, तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको ब्लरनेस दिखता है, जो कि कंपनी जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। तो आज इसका ड्राइव इंप्रेशन मैं आप लोगों को दूंगा। एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर बहुत पॉजिटिव है, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, सबसे पहले तो जो इसका क्लस्टर है, इट लुक सुपर डुपर ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ में इवन आप लोग जो है अगर चाहो तो इसकी डायल जो है, इवन डायल भी जो आप लोगों को जो है चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। देख लो भाई, अगर आप लोग रेंज एंड फ्यूल चाहो, स्पीड एंड टाइम चाहो, सेटिंग चाहो, कुछ भी चाहो आप कर सकते हो। क्या कह रही है? नहीं कुछ नहीं। बता दे। नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं बताएगी? नहीं। क्यों? नहीं, मेरा पोपट जा रहा नहीं। नहीं बता दे, बता दे, बता दे, बता दे। क्या क्या बोल दे? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या मेरे को लगा तू स्टीयरिंग माउंट दिखा रहा है, सो आई थॉट कि थोड़ा कैमरा नीचे करना चाहिए, बट तू वो दिखा रहा था। अच्छा ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं। तो इसमें जो है टैकोमीटर जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों का टैकोमीटर आ गया। अगर आप लोग चेंज करना चाहो, इधर आपने फिर से क्लिक करना है रेंज एंड फ्यूल में, अगर आप देखते हो तो वो वाली चीज़ भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप फिर से कुछ चेंज करने का आपकी जिज्ञासा जगती है, तो स्पीड एंड टाइम भी आप सेट कर सकते हो। और इसी के साथ में इस गाड़ी के अंदर विशाल ने इसको क्रूज मोड में भी लगा के चलाया था। विशाल कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव और कितने ईजिली हो जाता है? मतलब वही खाली रोड चाहिए होती है बेसिकली क्रूज मोड के लिए, अगर जहाँ पे आपकी। लेकिन भाई मेरे को जेन्युइनली गाड़ी बहुत अच्छी लगी, मतलब अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है इस गाड़ी को, आप बिल्कुल ले सकते हो। बस एक सिस्टम वाला जो फ्लॉ है वो मेरे को मजा नहीं आया। लाइटिंग के लिए आए बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड कि भाई क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स वाली चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलती है, और ईच एंड एवरीथिंग जैसा जो चाहो वो आप लोगों को जो है इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। इवन आकृति का भाई हम लोगों को फोन करके पूछा था कितनी स्पीड में चला रहे हो, कहाँ रुके हो, कहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वो जो इसकी ऐप आती है वो होंडा कनेक्ट वाली ऐप, बाइक की गाड़ी लॉक भी नहीं किया तुमने, गाड़ी का गेट जाके चेक करो ठीक से, तुमने गाड़ी लॉक भी नहीं किया, ऐसा ही बोला भाई ने, ऐसा हुआ भाई? लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत तोड़ू है। सो गुड टू गो, ड्राइव इंप्रेशन आप लोगों के पास आने वाला है मुसाफिर की तरफ से। हम लोग जो है टाइम लेते हैं, हम लोग एकदम से गाड़ी आती है आप लोगों को ड्राइव इंप्रेशन नहीं देते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं। और अपनी घर की गाड़ी है तो भाई जो भी कामयाबी होगी वही मैं आपका शेयर कर दूंगा। वहाँ पर कुरकुरे का एक पैकेट पड़ा है, खा लो, फेंकना है कूड़ेदान में, फेंकना तभी तो नहीं फेंका। ठीक है भाई, जो पहाड़ों में जाते हो कहीं पर भी जाते हो भाई, कूड़ेदान में ही कूड़ा जो है फेंको। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव, और अभी जो मैं गाड़ी का आप लोगों को इम्प्रेशन जो है वो देने वाला हूँ। सो हमारी जो है की साइड में पड़ी, सबसे पहले आप लोग अगर इस बॉक्स की तरफ देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पर इकॉन जो है वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप लोगों का ये लीव सी जो है वो बनी हुई आ जाती है। इसका मतलब है कि आप लोग जो है फ्यूल एफिशिएंट तरीके से चला रहे हो, उसमें से आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का पावर का जो लैग होता है वो चीज़ आप लोगों को फील होगा। इसी के साथ में गाड़ी में आप लोगों को जो एस ये चीज़ लिखी हुई देखने को मिल रही है, तो ये आप लोगों का एक तरीके से वो लगा लो क्या बोलते हैं उसको, जहाज का आपका आखिरी वाला गियर है जो बिल्कुल आग की तरह निकलता है। इसको स्पोर्ट्स मॉडल सॉरी स्पोर्ट्स वाला जो है गियर आप लोग बोल सकते हो। और सबसे पहली जरूरत, सीट बेल्ट हमेशा पहनो, हमेशा हमेशा पहनो समझे। और सीट बेल्ट पहनने के बाद दूसरी चीज़, अपनी सीट को एडजस्ट करो। एक चीज़ मतलब टॉप वेरिएंट होने के बावजूद इसके अंदर जो मेरे को कम लगा भाई, आप लोगों की जो सीट एडजस्टमेंट है, एटलीस्ट इतने पैसे आप स्पेंड कर रहे हो, आपकी सीट एडजस्टमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए। और जहाँ तक आप स्टेयरिंग के बारे में अगर बात करते हो तो आप लोगों को टिल्ट वाला जो है, टेलीस्कोपिक वाला जो है, वो दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी है। अगेन जिन जिनको
भाई दिक्कत होती है कि भाई नहीं मैं तो गाड़ी इतने में ही सेट करके चला सकता हूँ, उनके लिए टेलीस्कोपिंग भी बहुत जरूरी होती है। तो वी आर गुड टू लीव। लोकेशन कौन लगा रहा है? ऐसे अभी फ्री ड्राइव कर लेते हैं, है ना, फ्री ड्राइव कर रहे हैं हम लोग ऐसे। अभी हमारा कोई भी जिंदगी में मतलब नहीं अभी कहीं जाने का, हम लोग बस ड्राइव कर रहे हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहली चीज, जो गाड़ी आप लोग देख रहे हो ये है 2020 की होंडा सिटी। और एक चीज जो मैं भूल गया हूँ वो मेरे को जरूर करनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है भाई। हमारा जो मिरर है उसको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली पूरा एडजस्टेबल और फोल्डेबल वाला जो सीन है वो आप लोगों को मिलता है। अगेन अपना ये वाले को भी मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। हमेशा जब भी आप गाड़ी चला रहे हो जरूरी चीज़ करो इसी के साथ में, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल वाला जो सीन है और वो पूरा आप लोगों को जो है इसमें ऑप्शन मिल जाता है। सो नाउ वी आर गुड टू लीव। थोड़ा सा शीशे विशे में अपनी नज़र बना रहा हूँ, बड़ा अच्छा मेरे को लगा ये शीशे वाला जो इन्होंने इधर गैप थोड़ा सा दे दिया है, जिससे जो आपका स्पॉट जो है ख़त्म होता था ये जो है अब नहीं होगा। पहाड़ों में आपको चलाने में मज़ा आएगा। बाकी थोड़ा सा गाड़ी हम चलाते हैं, हम लोगों को मैनुअल गाड़ी ज़्यादा चलाने की आदत है तो बार बार गियर की तरफ हाथ जाता है, लेकिन अगेन एक बार ही आप लोग ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दोगे तो उसकी फील, उसकी प्लेजर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ तक गाड़ी की आप लोग बात करते हो लेंथ हाइट और मतलब नीचे की स्पेसिंग के बारे में अगर आप बात करते हो कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस वाइज ये गाड़ी कैसी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भाई देखो, अब अगर होंडा सिटी भी चाहिए और आप कहते हो कि नहीं भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी होनी चाहिए तो वो आपको नहीं मिल सकता है। ऑल दो अगर आप हाईवे में इसको ड्राइव कर रहे हो तो जो ग्लाइडिंग वाली फील होती है वो बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो विशाल एक चीज़ ऑडियंस को और बता, हाईवे में हम लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं भगाया क्योंकि अभी ये 2000 किलोमीटर कुछ ही चली थी, जितना भी हमने चलाया वी वर टचिंग अराउंड 80-90 हम लोग चलाते हुए चल रहे थे। तो कैसा कैसा प्लेजर था, प्लेजर ऑफ ड्राइविंग बता कैसा था, मतलब कुछ शॉकर टाइट लग रहे थे, लूज लग रहे थे या थोड़े से बम्प्स में ये गाड़ी फील हो रही थी, क्या था? नहीं, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी चल रही थी यार, बहुत कंफर्टेबल थी। ये चीज़ तो मैंने भी भाई इसमें ऑब्जर्व करी है। एंड अगेन मेरा थोड़ा झुकाव जो है वो वरना की तरफ था, जैसे आपको पता है कि मेरा झुकाव वरना की तरफ। अगेन मैं ये मानता हूँ पेट्रोल में अगर आपने गाड़ी लेनी है तो होंडा सिटी के लिए जाओ, अगर आपको डीजल लेनी है तो गो फॉर वरना, ये मेरा अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है भाई, ये आप लोग भी इस बारे में जो है सोच सकते हो। अभी एवरेज जो है गाड़ी करीबन 9-10 की दे रही है हम लोगों को, एवरेज जो है वो भी मिल रही है। और बाकी एक्सेलेशन वाइज सुपर डुपर ग्रेट, ठीक है। गाड़ी में चला रहा हूँ, मेरा पोस्चर आप चेक कर सकते हो, आप लोगों को पैडल शिफ्टर जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। विशाल ने अगेन पैडल शिफ्टर भी यूज़ करे थे और उसने जो है मेरे को रिव्यू दिया कि भाई पैडल शिफ्टर में तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बात करते हो पोजिशनिंग के बारे में, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को चला रहे हो तो आपका व्यू पॉइंट कैसा लगता है? एक तो आप लोगों का जो विंडशील्ड वाला पूरा व्यू है, इट्स सुपर डुपर मतलब क्लीन बिल्कुल जिसको बोलते हैं वो आप लोगों को मिलता है। सो राइट नाउ आई एम ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 30 और 30 की स्पीड में अगर आप लोग मेरे से बात करते हो तो मतलब प्लेजर लेवल जो है बहुत अच्छा है। एसी के बारे में बात करोगे भाई, एसी A1 है। अगेन होंडा में आज तक मैंने कभी ऐसी कंप्लेंट्स देखी कि एसी की कोई कंप्लेंट आती हो, लेकिन स्टिल भाई एसी जो है इसका बड़ा एफिशिएंट और इफेक्टिव वाला जो एसी है वो मिलता है। इसमें टॉप स्पीड 220 दी हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली ये गाड़ी 180 प्लस भाग जाती होगी। विशाल क्या कहता है भाई इस बारे में? चली जाती है 180 प्लस तक जाती होगी भाई, 160 तक मेरी गॉड से 160 से 70 के बीच में चली जाती होगी, 80 तो नहीं टच होगा। सो 41 और टायर प्रेशर भी हम लोगों ने चेक कराना है, हम लोगों ने देखा था तो हल्की फुल्की जो है हवा थोड़ी कम थी। और अराउंड 60 की स्पीड में मैं अभी गाड़ी को चला रहा हूँ, फील्स रियली अमेजिंग। और जहाँ तक आप फीलिंग के बारे में मेरी बात करोगे तो मेरे को बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। ऑल दो मोहाली थोड़ी रोड जो है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ अजीब सी रोड से रात को ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन स्टिल ड्राइव क्वालिटी वाइज गाड़ी जो है वो सुपर स्मूथ जाती है। अब हम लोग अगर डिफरेंस के बारे में बात करोगे भाई पावर का क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं इस गाड़ी को इकोन से हटाता हूँ, ठीक है, तो अगेन पावर का जो डिफरेंस है, जो हल्का फुल्का लैग भी अगर आपको फील होगा, ऑल दो इसका जो आप लोगों का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें एज सच लैगी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे बाइक वाले भैया आते हैं, अब देख लो मैं खुद एक्सेलेशन करते हुए देख रहा हूँ ना तो मेरे को फील आ रही है वहीं पर। अगर मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालने वाला हूँ, देखो आप लोग, ठीक है, एस में डालते ही रॉकेट मैन, इट्स अ रॉकेट। आप सुन रहे हो आवाज भी आप लोग सुनाई दे रही होगी, इट्स अ रॉकेट। अमेजिंग भाई, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन होता क्या है भाई स्पोर्ट्स मोड में जब गाड़ी चला रहे हो तो डंडे जो है वो आग की स्पीड में गिरते हैं, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कि आप लोग जब भी ड्राइव कर रहे हो तो स्पोर्ट्स मोड में आप तभी गाड़ी चलाओ जब आपको बहुत मजा आ रहा हो कि भाई नहीं मेरे को आज चलानी है स्पोर्ट्स मोड, अब चलाओ, नहीं तो आपका जो नॉर्मल वाला मोड है ड्राइव वाला आप लोग जो है उसमें ड्राइव कर सकते हो। अगेन मैंने इकॉन ऑन कर दिया है क्योंकि हम लोगों को जो है फ्यूल एफिशिएंट भी गाड़ी को रखना है और उसी के अकॉर्डिंग चला के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज़ इसके बारे में मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको हाईवे में अच्छी खासी स्पीड में जो है वो चला
चला के देखा था, जो कि मैंने आपको बताया नई गाड़ी के अकॉर्डिंग 90, 100, 120 तक आप लोग चला सकते हो। नई गाड़ी को जो है लोग या फिर कंपनी जो आपको रिकमेंड करती है 80, 100 तक आप लोग चलाओ, इवन 80, 100 भी नहीं, 80 तक जो है ये एक इफेक्टिव रहता है, ठीक है। और जो इस गाड़ी को और थोड़ा कहते हैं ना कि भाई अच्छा बना देता है, वो है इसकी स्पेशली जो इसमें लेदराइट जहाँ जहाँ पर प्लेस्ड है स्टेयरिंग में, जो आपको पूरा OEM स्टाइल वाला जो लेदर आप लोगों को मिलता है, दैट लुक्स वेरी एफिशिएंट, आप लोगों को स्वेट फ्री रहता है क्योंकि हमने गाड़ी काफ़ी चलाई है। जो इसके माउंटेड बटन्स है, माउंटेड बटन्स की क्वालिटी ए प्रीमियम वाली क्वालिटी जो होती है वो आप लोगों को इसमें मिलती है। जो साइड में आप लेदर एड देखोगे, ये मेरे को बड़ा इफेक्टिव लगा, कई बार मेरी भी आदत है कि मैं हाथ को ऐसे रख के चलाता हूँ, ठीक है। हाईवे में जब आप क्रूज कर रहे हो तो तब आपको ऐसा मन करता है। आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट, अगेन आप लोगों को इसमें एडजस्टमेंट वाला आर्मरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता अक्कू? नहीं। और अक्कू ने भी जो है रात को गाड़ी चलाई थी, तो अक्कू जो है इसका अच्छा और रिव्यू दे सकते हैं। अक्कू की अपनी गाड़ी है तो अच्छा अच्छा नहीं मत बोलियो, बता क्या कैसा लगा तेरे को, एक चीज बता। गाड़ी मेरे को बहुत स्मूथ लगी, किया और इसकी ड्राइव ऑलमोस्ट सेम है, बट किया से ज्यादा स्मूथ लगती है मुझे, किया से ज्यादा स्मूथ है। लेकिन एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा एक वो लगा, जो किया की सीट्स है दैट इज मोर इंक्लाइंड, अगेन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन किया एंड होंडा सिटी, ये सेगमेंट ही अलग हो गया। लेकिन अगर आप पीछे की सीट पे विशाल को बैठे हुए देखोगे तो आपको सीट्स इंक्लाइंड नहीं दिखेगी, थोड़ी स्ट्रेट दिखेगी, क्या कहता है विशाल? और प्लस एक चीज है, किया भी टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल है, उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टेबल, उसमें फीचर्स बहुत सारे, उसमें फीचर्स। अगर हम पैसों के बारे में बात करेंगे तो पैसों के अकॉर्डिंग जो है फीचर्स कम मिलते हैं वहीं पर कंपैरिजन में, वरना अगर आप लोग लेके आते हो कहीं ना कहीं वरना उड़ जाती है। मैं भी यहाँ पे उन्होंने सनग्लास होल्डर भी हटा, सनग्लास होल्डर नहीं है तो हम लोगों को जो है सनग्लास ऐसे रखने पड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो चलो पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ चीजें जो होती है जिंदगी में वो ऐसी देखने को मिलती है। सनरूफ जो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये तप रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान की रोशनी हम पे पड़ती रहती है। भगवान की रोशनी तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की रोशनी सब पड़ती रहती है, उसके से लाइटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। एक चीज और, आप लोगों को एप्पल कारप्ले के लिए ये वाला स्लॉट मिल जाता है, नीचे वाला एप्पल कारप्ले का नॉर्मल वाला आप लोगों का यूएसबी वाला आप लोगों को ऊपर मिलता है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप मिलता है, और मतलब जितने मोटे मोटे अच्छे अच्छे जो फीचर्स हो सकते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी गाड़ी में लोडेड मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, अगर आपकी हाइट अच्छी नहीं है तो आप लोग जो है एडजस्ट कर सकते हो, जो कि आपको मैनुअल मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो तो अगर आप लोगों को ये वाला जो है अगर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मिले तो थोड़ा अच्छा होता है। तो सेम जैसे आकृति के भाई के पास किया थी, उन्होंने गाड़ी परचेस करी, ऑल दो ड्राइव क्वालिटी वाइज नो डाउट इट दिस कार इज रियली नाइस, लेकिन भाई ने क्या बोला था, फीचर वाइज कमी है। हाँ, फीचर वाइज कमी है, और इसकी सीट्स भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। तो यार अब थोड़ा सा तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जब आपको एक फुली लोडेड गाड़ी चलाने की आदत होती है तब आपको मजा नहीं आता है। इकॉन हटा रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि मेरे को आगे रोड दिख गई है, बड़ी जबरदस्त रोड आ चुकी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, इट फील्स रियली नाइस। आकृति ने भी रात को गाड़ी ड्राइव करी थी और बड़ी प्यार से जो है आकृति गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, लेकिन फिर मेरे को डांट भी पड़ी थी कि स्लो चला यार, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि रात के टाइम पे आपको नहीं पता कौन से चौक से कौन निकल के आ जाए। रेड लाइट है, हमेशा रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर रुको, और ये जो पीछे लाइन बनी हुई है ना इधर अपनी गाड़ी रोक दो, वरना जैसे एक बार किसी आरजे ने किया था ना तुम्हारी गाड़ी के ऊपर से चल के जाना और कुछ भी अच्छा हुआ था क्या? हाँ, चुंबक तो दे दी लेकिन लाइट नहीं दी, क्योंकि रात के थोड़ी सी कम है, रीडिंग लैंप्स मिलते हैं, थोड़ा सा पहले समझने में टाइम लगा था हम लोगों को, ये भी मैंने ही बताया था। नहीं आपने बताया, बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि आप तो अकलमंद हो, आप बहुत ज्यादा अकलमंद हो, तो अकलमंद लोगों के साथ हम ज्यादा रहते नहीं है, ठीक है। तो भाई अगेन ड्राइविंग देख रहे हो आप लोग, और ऑटोमेटिक गाड़ी को भी पंजा दबा के मत चलाना भाई, मजा बड़ा आ रहा है लेकिन भाई गाड़ी भगाने में ऑलमोस्ट 70 मोहाली की इन गलियों में गाड़ी जो है हमारी भाग रही है। 80 टच किया मैंने, 80 से मैं नीचे ले आया हूँ गाड़ी को, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को बार बार वही आवाज़ आनी स्टार्ट होती है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा गाड़ी में फील हुआ, पुरानी होंडा सिटी जो है वो मैंने ड्राइव कर रखी है और इस वाली होंडा सिटी को चलाया, तो नो डाउट जो सस्पेंशन है उसके अंदर मेरे को एक अच्छा चेंज देखने को मिला कंपेयरिंग इट विथ वरना, तो वरना के जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफ है। ये चीज मेरे को केवल ऑब्जर्व हुआ क्योंकि मैंने नई वाली गाड़ी भी चलाई है, लेकिन अगेन जितनी मैंने ये होंडा सिटी चला ली वो उतनी मैंने नहीं चलाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि उसकी सस्पेंशन जो है थोड़ी स्टिफ है, इसकी सस्पेंशन जो है थोड़ी सी कह सकते हो आप क्या बोल रहे हो उसको, मतलब लाइट है थोड़ी सी, मतलब ईजिली जो है सस्पेंशन जो है आप लोग फील कर सकते हो, इतने ज्यादा गड्ढे आपको फील नहीं होते, वरना मैं आप लोगों को गड्ढे जरूर फील होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है पेडल शिफ्टर्स कैसे यूज होते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप लोग इस गाड़ी में अगर पेडल शिफ्टर यूज करते हो, बड़े इफेक्टिव प्लेसमेंट जो इनकी होती है किसी भी गाड़ी में अगर आप लोग देखोगे,
लोग हैं, और इधर से जो आप लोग देख सकते हो गियर जो अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ऑल्दो आपका ऑटोमेटिक कार ही है तो वो अपने आप ही एडजस्ट करेगी, लेकिन स्टिल अगर आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके भी इसको चला सकते हो, एंड इट फील्स रियली नाइस भाई। और सबसे अच्छी ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या बात होती है कि गाड़ी जो आपकी कभी बंद नहीं हो सकती है, तो फायदा ये रहता है कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी लोगे तो सीखने में बिगिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। और बाकी तो भाई गाड़ी जो बड़ी मेरे को जबरदस्त लगी है, और आप लोग जो है अपना ओवरव्यू जो है मेरे को और दे सकते हो। बाकी थोड़ा सा अभी जैसे ही रेड लाइट खुलता है, ठीक है, सो ड्राइव मोड में हमने गाड़ी को डाल दिया, देख लो भाई आगे से थोड़े से बंदे जो है वो कट कुट मार के हमें जा रहे हैं, ठीक है। तो पेडल शिफ्टर्स का जो है भाई, जो लोग कहते हैं कि यार ऑटोमेटिक गाड़ी एकदम से यार पता नहीं चलता लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो उनके लिए गाड़ी काफ़ी इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो अब हमने जाना है लेफ्ट, और इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे कैमरा भी दिखा दे एक बार लेफ्ट वाला, इधर जो दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर लोग आता है नहीं, ये बेसिकली लेफ्ट में ये केवल लेफ्ट में आएगा, क्योंकि केवल कैमरा जो है आपके लेफ्ट में प्लेस किया गया है। तो आकृति ने इतनी गाड़ी चलाई, स्टिल दिखा देता है ऑडियो उसको, लेफ्ट हमने के लिए इंडिकेटर दिया हुआ है। इवन ये भी बताएगा कि कितने पास से जो है वो डिस्टेंस से गाड़ी जो है आपके पास से निकलेगी। देख लो एक स्कूटी वाले भाई आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है पूरा आप लोगों को साइड बाय साइड जो है देखने को मिल जाएगा। अगेन इसमें सिर्फ लेफ्ट में है, किया में लेफ्ट राइट दोनों में। अगेन सबकी अलग है कॉस्ट कटिंग, हर कोई अलग तरीके से करता है। तो पेडल शिफ्टर वाला कमाल देखो भाई, ठीक है भाई, मुझे जो है मैं बाई चांस मेरे को ऐसा लगता है मुझे गियर नीचे कर देना चाहिए, तो मैंने इसमें नीचे किया, देख लो पावर, देख लो एकदम से बंदे आ जाते हैं आगे से निकल के, देखो आप लोग बिल्कुल बिना कोई इंडिकेटर ना कुछ बिल्कुल मुंह बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी हम लोग जैसे इसमें दिख रहा है D4 में चल रहे हैं, अब मुझे लगता है कि नहीं मुझे और पावर चाहिए, खींचो तो पाँचवें में डाल दिया, नीचे करना है तो चौथे में आ गया, अगर आप देख पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके रिपोर्ट है। और यहाँ पर देख लो जैसे D3 या RPM का पूरा आपको ड्रॉप दिखेगा, और एक चीज़ बड़ी अच्छी है जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हो सीधे 3000 RPM में गाड़ी चले जाती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है। हम लोग रुक गए, अगर जैसे नॉर्मली है अभी हम लोगों ने गाड़ी को डाल रखा है ड्राइव मोड में, इकोन वाला जो अपना होता है वो हमने ऑन कर रखा है, इसको मैंने ऑफ किया, मैंने जैसे ही ड्राइव में डालूंगा तो जैसे ही गाड़ी में खींचूंगा एकदम से 3000 RPM वाला जो पूरा खेल है वो आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। और बाकी तो भाई फील जो है वो इसी गाड़ी में है, और आई गेस कि आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, और ड्राइव इंप्रेशन का जितना अच्छा तरीके से मैं आप लोगों को मोहाली में बता सकता था मैंने बता दिया, लेकिन स्टे ट्यून क्योंकि बहुत जल्दी इसी 2020 होंडा सिटी के लिए हम लोग ये लेके आने वाले हैं कुछ डिटेलिंग वाली चीज़। स्टे ट्यून, चैनल में बने रहो, प्यार मोहब्बत बराबर रखो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब मार दो। एक चीज़ और लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो भाई जिनके लिए वो जरूरी है उनके साथ शेयर भी कर दो। और बाकी इसी के साथ में कर रहे हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड